हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हम नवरात्रि स्पेशल के तौर पर आपको एटा के एक प्राचीन पथवारी मंदिर के दर्शन कराएंगे, जिसकी बहुत मान्यता है और बहुत सारी खासियत है। वहाँ हम और हमारी धर्मपत्नी जी जा रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। पीछे हमारा छोटा भाई कजन सुमित भी मौजूद है। क्या क्या खासियत है उस मंदिर की, क्यों इतनी मान्यता है एटा शहर में, इस ब्लॉग में आपको हम पूरी डिटेल देंगे। तो चलें भाइयों, जय माता दी। जय माता। घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर का सफर हमने अपनी गाड़ी से पूरा किया। भीड़ भाड़ के इलाके से निकलते हुए हम एटा की ठंडी सड़क रोड स्थित इस मंदिर के पास आ पहुँचे। इस मंदिर की मान्यता काफ़ी है और ये बहुत ज़्यादा पुराना भी है। मंदिर पहुँचते ही सबसे पहले हमने माता के लिए श्रृंगार खरीदा और फिर भैया को पैसे देकर अपनी धर्मपत्नी के साथ मंदिर परिसर में एंट्री कदम बढ़ा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण नगर पालिका परिषद एटा की तरफ से कराया गया है और इसकी मुख्य पुजारिन का नाम कमला देवी है, जो सालों से इस मंदिर में पुजारिन का काम करती आ रही हैं। मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ सभी देवी देवताओं के अलग अलग परिसर बने हुए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प और देखने लायक अगर कुछ है तो वो माँ दुर्गा की ये विशालकाय मूर्ति, जो अपनी बाकी 8 बहनों के साथ विराजमान है। धर्मपत्नी जी के साथ हमने माता की पूजा की, पूजा अर्चना के साथ उनके आगे शीश नवाया और उनसे प्रार्थना की। इसके बाद हमने मंदिर परिषद में मौजूद और अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। हमारे भोले शंकर भी हमें यहाँ मिल गए, जिनके आगे हमने शीश झुकाया और उनको नमस्कार किया। चलते चलते सामने बजरंगबली की भी झलक देखने को मिली, उनके आगे भी हमने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। पथवारी के नाम से मशहूर इस मंदिर में पथवारी देवी की, इसके अलावा इस मंदिर में खाटू श्याम का भवन भी मौजूद है। खास बात यह है कि ये पहले नहीं बना था, ये अभी हाल फिलहाल में इसका निर्माण हुआ है, जिसमें बाबा खाटू श्याम की विशालकाय मूर्ति रखी हुई है। ये नज़ारा अपने आप में बेहद खास। पथवारी मंदिर के बाहर आते ही इसके निकट आपको माता काली का एक प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा, जिसकी मान्यता एटा वासियों में काफ़ी ज़्यादा है। रात के समय में इस पूरे मंदिर परिसर का नज़ारा कितना भव्य और शानदार दिखता है, वो आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग नवरात्रि स्पेशल के तौर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।